हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली ब्रेड टोस्ट, वो भी 2 मिनट स्नैक और बच्चों का फेवरेट है। और 2 मिनट में ये बनकर हो जाता है तैयार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले ली है, बटर लिया है, शिमला मिर्च और गार्लिक, ग्रीन चिली और टमाटर, और इनको हटा लेंगे। और अब हम करेंगे बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है 1 स्लाइस, और यहाँ पे बटर को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको चारों तरफ से स्प्रेड करना है ब्रेड को, ताकि जब हम इसको टोस्ट करें तो बहुत अच्छे तरीके से टोस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ से टॉपिंग में करके दिखा रही हूँ, एक एक कोने तक इसको बटर को स्प्रेड करना है। और देखिए बिल्कुल एक एक कोना, ताकि जो बटर है अच्छे तरीके से टोस्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए, मैंने दूसरी साइड से भी दोनों तरफ से ही इसको टोस्ट करना है। इसी के साथ अब हम करेंगे इसकी टॉपिंग। तो यहाँ पे टॉपिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गार्लिक ली है, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली, तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग ऐड करी है। और यहाँ पर जो भी आप वेजिटेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। तो आप, और यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है और टमाटो भी ऐड किया है बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके। एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बताऊँगी बाद में, जिससे बनेगी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, टॉपिंग करने के बाद में ऊपर से मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, क्योंकि नमक के बिना तो टोस्ट फीका फीका लगेगा। तो यहाँ पे नमक ऐड किया है चुटकी भर। आप इसको हाथ के सहारे से स्प्रेड कीजिएगा। जीरा पाउडर ऐड किया है यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पे काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। और हल्का सा तीखा बनाने के लिए मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड करने जा रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बिना तो ब्रेड टोस्ट बिल्कुल लगेगा फीका फीका। तो यहाँ पर देखिए, चिली फ्लैक्स ऐड कर दिए हैं। और अगर आप और तीखा चाहते हैं तो और तीखा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और इसको करेंगे हम टोस्ट। टोस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर एक इंडिकेंट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे इंडिकेंट लिया जा रहा है चीज़ स्लाइस ली जा रही है, एक चीज़ स्लाइस है, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको करेंगे टोस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर तो दूसरी टॉपिंग भी कर लेंगे। देखिए ये दूसरी टॉपिंग इसी तरीके से करिए, दूसरे तरीके से आप इस चीज़ को, चीज़ की स्लाइस को नीचे भी रखकर ऊपर ग्रीन चिली, कैप्सिकम और टमाटो भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे पैन में भी इसको ऐड कर दिया है, तो इसको कवर करके रखेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। इसको टोस्ट करेंगे। टॉपिंग सारी कर ली है और यहाँ पे इसको ढक्कन लगा दिया है, ताकि जो ब्रेड टोस्ट है वो नीचे से सिक सके। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला स्नैक है ये, और फटाफट बन जाता है विद इन 2 मिनट में, अगर प्रिपरेशन हो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, अभी थोड़ा सा गर्म है। तो देखिए, इसको प्लेट में निकाल देंगे और देखिए दिखने में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इसकी करेंगे हम प्लेटिंग करेंगे। तो इसको कटिंग करेंगे नाइफ के सहारे से। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसे खाना सही नहीं लगता है, तो इसके बीच में नाइफ की सहायता से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में इसके 2 स्लाइस हो जाएंगे अलग अलग। तो हल्का सा, थोड़ा सा कटिंग करने में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए। तो इसको तीखे वाले चाकू से बीच में कटिंग करी है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों टोस्ट बिल्कुल अलग अलग भागों से कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, मैं नीचे से दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल नीचे से भी टोस्ट
हो चुका है और कहीं से भी कोई भी जो वेजिटेबल जो डाली है गार्लिक और कैप्सिकम वो बिल्कुल नहीं निकल। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट।